सात माह के बच्चे को गर्भ में लेकर बंगाल से दरभंगा बिहार आ गई और दर बदर भटक रही है। संजय को बोलूंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आगे ले जाए, कम से कम बच्चे के लिए तुम खुद आ जाइए। बच्चे के लिए कितना बोला, कितना रिक्वेस्ट किया कि माँ मुझे बच्चा चाहिए, कम से कम बच्चा के लिए तो आ जाइए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। संजय क्यों इतना ये मुझे ये कर रहा है, अकेला छोड़ दिया बीच रास्ता में, भटकने के लिए दर दर का ठोकर खाने के लिए बीच रास्ता में छोड़ दिया। बहुत प्यार कर आप कुछ बात बोली थी कि मैं बहुत आपसे प्यार करती हूँ। संजय जी आप आ जाइए, कम से कम बच्चे के खातिर के लिए तो आ जाइए। कि जब इनका 9 माह होगा तो इनको कितनी तकलीफ होगी, इनके साथ कोई नहीं है, ये कितनी तरपेगी इस बच्चे को जन्म देने में। 7 महीने का बच्चा को लेके कभी भी इधर से उधर नहीं भटकेगी, रेस्ट करने का टाइम मिसलत नहीं, इधर से उधर भटकना पड़ रहे बच्चा को लेके। यही वो गर्भ है जिसमें उस संजय चौपाल का बच्चा पल रहा है और उस बच्चे को छोड़कर एक बाप फरार हो गया है। हमारे बगल में एक कुंवारी माँ खड़ी है जो कुंवारे में माँ बन गई है। देखिए इनके पेट पर फोकस कीजिएगा, इनके गर्भ में 7 माह का बच्चा है, करीब लाइएगा, दिखाइए। देखिए ये बंगाल से चलकर आई है बिहार के दरभंगा जिला अपने प्रेमी को खोजने, अपने लवर को खोजने, क्योंकि इनका लवर प्यार के जाल में फंसाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, जब ये गर्भवती हो जाती है तो इनको छोड़कर भाग जाता है। क्या नाम था लड़का का, किसका बच्चा है ये? संजय चौपाल। संजय चौपाल का बच्चा है? हाँ। कैसे, आप तो बंगाल की थी, ये लड़का बिहार का था, कैसे हो गया था? हम लोग ये बाहर काम करने के लिए गए थे, मैं भी, वो भी काम करने आया था बेंगलोर में। वो बेंगलोर में दोनों काम करती थी, एक ही घर में काम करते थे। क्या बोला था वो? वो बोल रहा था कि ऐसे काम करते करते हम लोग का बातचीत आगे बढ़ गया, फिर बात आगे बढ़ गया, फिर बीच बीच में बोलता क्या था। क्या बात आगे बढ़ गया, काम करते करते उसको आपसे प्यार हो गया कि आपको उससे प्यार हो गया? वो खुद उस वही बोल रहा था कि मैं सकल सूरत में नहीं जाता हूँ, मैं दिल से का जो बात करती है उसमें मैं जाता हूँ, ऐसे वाला बोल रहा था। यानी सकल सूरत में कुछ नहीं रखा हुआ है। हाँ। दिल से हम प्यार करते हैं। हाँ। शादी भी करेंगे। शादी भी करेंगे। ये बच्चा कहाँ से आ गया फिर? उन्हीं का बच्चा है, वैसे ही बोलते, मैं सकल वही तो बोला कि दिल से मैं प्यार करता हूँ, बोलते बोल के वो मेरा, मैं तो बच्चा नहीं था फिर भी वो बच्चा हो गया, मुझे भी उतना कानून ये नहीं था, कंफर्म नहीं था कि बच्चा पेट। आपको भरोसा था कि ये लड़का हमसे शादी करेगा, आप उसके साथ शारीरिक संबंध बना ली? भरोसा करके मैं इतना मैं शारीरिक संबंध बनाई उसके साथ में। कितना दिन आप उनके साथ रही, रिलेशनशिप में कितना दिन रही? मैं उसके साथ में 4-5 महीना थी रिलेशन में। 4-5 महीना में आपका शारीरिक संबंध भी बन गया? बन गया। तो अब आप यहाँ बिहार के दरभंगा जिला आई हैं, आप भटक रही हैं, लड़का का एड्रेस है आपके पास? गांव का क्या नाम बताया था? गांव का नाम तो बताया था कि कमलपुर। कमलपुर, जी हाँ, दरभंगा जिला का। दरभंगा जिला का। हाँ। अच्छा, वो लड़का जहाँ भी होगा, आपका जो पति है, पति मानती हैं उनको? पति मानती हूँ। अच्छा, रो काहे रही हैं आप? मैं उसको भगवान ही मानती थी। भगवान मानती थी? जी हाँ, मैं उसको भगवान मानती, अपना पति सब कुछ मानती हूँ, मैं सब कुछ मान के मैं अपना शरीर संबंध बनाई। वो धोखेबाज निकल गया? वो बहुत धोखेबाज, इतना धोखेबाज निकला कि बोलो ही मत, जैसे कि क्या बोलूंगी, लड़की ऐसे वाला बना के चलाया कि वो रास्ता में जैसे कि उसका कोई भी नहीं है, उस टाइप का वो फायदा उठाया, हर चीज का फायदा उठा के यहाँ पे गांव आया है वो लड़का। आपको बोला था कि हम गांव जा रहे हैं, गांव में 15 दिन वापस आ जाएंगे? जी हाँ, गांव आके 15 दिन के बाद में वो फिर वापस आ जाऊंगा, इस टाइप का बात बोला था। फिर मैं फोन की 5-6 दिन बात हुआ, बीच बीच में फिर बात करने छोड़ दिया। देखिए यही वो गर्भ है जिसमें उस संजय चौपाल का बच्चा पल रहा है और उस बच्चे को छोड़कर एक बाप फरार हो गया है। बाप का सिर्फ नाम पता है संजय चौपाल, उनके गाँव का नाम पता है, लेकिन वो किस ब्लॉक के हैं, किस जगह के हैं ये नहीं पता है, सिर्फ गांव का, यानी एक एक नाम का हजारों गांव होता है। अब आपको उसके साथ रहना है? उसके साथ ही रहना है। अच्छा, उसका ये बात पता है वो शादीशुदा था या कुमारा था? शादीशुदा बाद में बताया, पहले नहीं बताया पहले था। आपको बोला कि कुमारे हैं? हाँ, कुमारे हैं बोल के बताया। और फिर आप भी उससे प्यार करने लगी, वो भी आपसे करने लगा? हाँ, मैं तो प्यार करने नहीं लगी थी, फिर भी जब पेट में बच्चा आ गया तब ये कि मैं उसको फंस गई, एक मजबूर मजबूर होके मैं फंस गई।
फिर बच्चा गिराने के लिए भी मैं बात बोली थी कि बच्चा गिरा दूंगी, ऐसे बोला मैं बोली थी, फिर भी वो बोला कि बच्चा मत गिराओ। बताइए दोस्तों, देखिए 7 माह के बच्चे को गर्भ में लेकर बंगाल से दरभंगा बिहार आ गई और दर बदर भटक रही है, थाना का चक्कर लगा रही है, कोर्ट का चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी मदद नहीं हुई। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि वो संजय चौपाल दरभंगा जिला के किस गांव में है, कहां छिपा हो। उनका पीछा नहीं छोड़ना है, पीछा नहीं छोड़ना है, जिस हालत में मुझे छोड़ के आया है मैं कभी पीछा छोड़ूंगी नहीं। देखिए बिलख रही है, एक अबला नारी बिलख रही है, रो रही है, और पति जिसको परमेश्वर भगवान मानती है ये, वो कह रही हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो जहाँ जाए, वो जहाँ रहे, जैसे रखे हम उनके साथ रहेंगे। जैसे भी रखे मैं रह लूँगी, बच्चे का खातिर तो रह लूँगी। अच्छा, उस कंपनी में ही आपकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी? जी हाँ। ये लड़का कितना दिन से काम कर रहा था? उसका हुआ था 7 महीने काम करने। और आप? मेरा 2 साल हो गया था। अब 2 साल से काम कर रही थी, ये नया गया था 7 महीना से काम कर रहा था। हाँ, नया गया था, 7 महीना हो गया तो उसका काम करने वहाँ पे। अच्छा, आपके जो भगवान हैं, आपके जो संजय चौपाल पति हैं, उनको क्या कहिए? संजय को बोलूंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आके ले जाए, कम से कम बच्चे के लिए तो खुद आ जाइए। बच्चे के लिए कितना बोला, कितना रिक्वेस्ट किया कि माँ मुझे बच्चा चाहिए, कम से कम बच्चा के लिए तो आ जाइए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। संजय क्यों इतना ये मुझे ये कर रहा है, अकेला छोड़ दिया बीच रास्ता में, भटकने के लिए, दर दर का ठोकर खाने के लिए बीच रास्ता में छोड़ दिया। मत रोइए आप, मत रोइए, वो जरूर आएंगे, अगर वो देख रहे हैं हमारा वीडियो तो वो जरूर आएंगे, बहुत प्यार करती है। मैंने नहीं सोची थी कि मैं रास्ते में आ जाऊंगी बोल के, बहुत प्यार करती है। सब कुछ बात बोली थी कि मैं बहुत आपसे प्यार करती हूँ संजय जी, आप आ जाइए, कम से कम बच्चे के खातिर के लिए तो आ जाइए, इतना दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़ेगा मुझे। कभी जिंदगी में नहीं सोची थी कि मैं इतना दर दर के ठोकर खाऊंगी बोल के, यहाँ से वहाँ इतना 7 महीना का बच्चा लेके मैं यहाँ से वहाँ घूम रही हूँ। ये इनकी दर्द भरी कहानी, ये 7 माह का बच्चा लेकर घूम रही है और रो रो कर बिलक बिलक कर गुहार लगा रही है उस अपने प्रेमी से, अपने भगवान से, अपने पति से कि इनके पास आ जाइए, इनके लिए नहीं तो इनके बच्चे के लिए आ जाइए, इनको सहारा की जरूरत है। अभी आपको अकेली हैं आप? मुझे बहुत सहारा की जरूरत है, मैं अभी अकेली हो गई, कोई भी अभी मदद देने वाला कोई भी नहीं। अकेली आई है? अकेली आई हूँ मैं। ये दोस्तों देखिए, इनका आंसू फोकस कीजिएगा, देखिए रो रही है और 7 माह के बच्चे को लेकर बंगाल से बिहार दरभंगा जिला आ गई। सोचिए कि जब इनका 9 माह होगा तो इनको कितनी तकलीफ होगी, इनके साथ कोई नहीं है, ये कितनी तड़पेगी इस बच्चे को जन्म देने में। आज इनको दर्द कुछ दिन बाद होना शुरू हो जाएगा, फिर आपके साथ कोई नहीं रहेगा। मैं तो अकेली रह जाऊंगी ना, कोई भी साथ में नहीं रहेगा, तो जब से बेंगलोर में छोड़ के आया तब से मैं अकेली दर दर के ठोकर खा रही हूँ। कभी भी कोई लेडीज कोई लड़की 7 महीने का बच्चा को लेके कभी भी इधर से उधर नहीं भटकेगी, रेस्ट करने का टाइम मिसलत नहीं, इधर से उधर भटकना पड़ रहा है बच्चा को लेके। आपको रहना है उसके साथ ना? जी हाँ, रहना है उसके साथ में। मत रोइए, हम लोग चलेंगे आपको लेकर और उसके घर में हम लोग रखवाएंगे आप। सोच के दिल में दिमाग में इतना ये होता है कि डर लगता है कि मैं इधर से उधर 7 महीने का बच्चा को लेकर अभी गाड़ी में सफर करने के लिए भी डर लगता है अपने आप को। बिहार के लोग जाते हैं बेंगलोर में, बंगाल की ये लड़की जाती है बेंगलोर कमाने, और बिहार का नाम बेंगलोर में जाकर बदनाम कर दिया जाता है, गर्भ में बच्चा दे दिया जाता है और छोड़कर फरार हो दिया जाता है, अकेले छोड़ दिया जाता है कि तुम बच्चे लेकर घूमो, मरो जियो, तुमसे कोई मतलब नहीं है। सास ससुर से बात हुआ है? कभी बात नहीं कराया, मैं बोली उसको कि सबसे बात करो, घर पे बात करो, मेरे से भी बात करो, कम से कम बात करके तो अभी लेके जाओ, मुझे 7-8 महीना हो जाएगा तो मैं किधर जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, डिलीवरी किधर होगा, बात मैं बोली थी उसको, फिर बोला कि मैं बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बोलते बोलते खुद ही फरार होके भाग के गाँव आ गया।